नमो नमः आज से हम हरिस्वामी कथा तीसरी कथा का प्रारंभ करते हैं हरी हरिस्वामी कथा तृतीया कथा आरप से प्राथना प्रार्थना गुरु गति गुरुमे भजे गुरु, गुरु सहास् नमो गुरु परमं शिशुरस्मि गुरो मतिरस्मि गुरो मम पाहि गुरो प्रारंभ कूम हरिस्वामी कथा इति कथाया हा? नाम अस्ति तरी तत्र पुनरपि पुनः अपि सह महीमहेन्द्रः शिंशपाशाखिनः अन्तिकं गत्वा नरशरीरगतं वेतालं स्कन्धे निधाय गन्तुं प्रववृते तूष्णीम् एव व्रजतः तस्य मनोविनोदाय अंसस्थः कथाम् इमा वेतालः व्याजहार अवन्तिकायां अभिधस्य नरपते है अनुजीवी हरिस्वामी प्रिय अभवत अथ तो हमने पहले दो कथाएं सुनी है और वो वेताल फिर से वो वृक्ष पे जाकर बैठा है और अभी तीसरी कथा का प्रारंभ है जिस कथा का नाम है हरिस्वामी कथा और तो इसके प्रारंभ में क्या लिखा है अथ और बाद में पुनः अपनी फिर से एक बार सह मही महेंद्र नाम राजा मही इसका अर्थ है पृथ्वी महेंद्र मतलब पृथ्वी का इंद्र राजा सो मही महेंद्र मतलब राजा शिंशपाशाखी न मतलब वो शीशम का जो वृक्ष था उसके अंतिकम गत्वा, पास जाकर नर नर शरीर में जो वेताल था उसको स्कंधे निधाय कांधे पर रखकर कर प्रवृते वो कांधे पर रखकर जाने के लिए प्रवृत्त हुआ व्रजत चुपचाप बैठे हुए चुप होकर व्रजत चलते चलने वाले उसके मतलब राजा के मनोविनोदाय मनोरंजन करने के लिए अंसस्थ वेताल जो अंस मतलब कांधा कांधे पर बैठा हुआ वेताल वेताल ने व्याजहार कुछ कहा क्या कहा कथाम इमाम यह कथा वेताल ने कही अभी कौन सी कथा है नई कथा यहाँ से शुरू हो रही है अवंतिकायाम अवंतिका, अवंतिका नगरी में पुन्य सेना अभिधस्य पुण्य सेन ऐसा नाम वाला नरपते है अनुजीवी राजा का अनुजीवी अनुजीवी मतलब उसके आ, उसके उपजीविका से अपना आचरण करने वाला अपना जीवन व्यतीत करने वाला उसका नौकर ऐसा हरिस्वामी उसका नाम क्या था वो नरपति का जो अनुजीवी था उसका नाम था हरिस्वामी ऐसा कौन था प्रिय आमात्य अभवत हरिस्वामी नाम का प्रिय आमात्य था राजा का नाम क्या था अवंतिका नगरी का नाम है राजा का नाम है पुण्यसेन और उसका अनुजीवी आमात्य जो है उसका नाम है हरिस्वामी मही महेंद्र राजा अंतिकम पास निधाय मतलब रख कर लिएकर मतलब कर, चुप मनोविनोदनाय विनोदाय मतलब मनोरंजन के हेतु से व्रजत मतलब जाते हुए व्याजहार कही कथा कही अनुजीवी मतलब सेवक ठीक है अभी हम आगे इसका व्याकरण देखते हैं यस एंड नमस्ते नमस्ते अयम हशम पुना पुना अपि दह mm. मही महेंद्रह दिस इज नॉट अह शिमश भाषा अह शिमश भाषा किनह शिमश पासाखिनह यस अंतिकम

नो दय यम सस्थह ओके खतम इमाम पेटलह व्यवहार अवंतिकायाम ओके okay. पुष्प सेना पुण्य अभिदस्य सॉरी पुण्यसेन ओके आई कैन सी इट्स टू स्मॉल पुण्य सेना दैट्स वन वर्ड नरपते हे अनुजीवी हरि ही

uh the the verb i don't get it dha. ah ha ha ya and then, ah, it's wearing on the shoulder skandani dha. dhaya ah okay dha. <laughs> gantum gantum tumon uh, gam ho tumun pravavrute ra upasarga vavrute pravavrute uh, vardh और वृद्ध धातु वृद्ध धातु वृद्ध धातु प्रवृते प्रथमा प्रथमा पुरुष आत्मने पदी एक वचनम लकार लट लकार सॉरी लिट लकार है ये आ प्रवृते इट लुक्स लाइक लिट लकार ओके

अ इज इट लट लकार नो शत्रु प्रत्यय ब्रजत ओ शत्रु प्रत्यय ब्रजन ब्रजंतौ ब्रजंतह ऐसा होता है ना तो उसकी षष्ठी है ब्रजतः तस्य व्यजहार व्यजहार अ वि उपसर्ग अ जह जहार जहार जहती अ त्या नो या जहार धातु है आ उपसर्ग का पूर्वक रु धातु हाँ रु भरती रु ओके प्रथमा पुरुष एक वचनम् लंग लकार लंग नहीं लिट लकार है लिट लकार जहार या हुँ, हुँ, ओके और क्या है इसमें? अभवत वो तो बहुत सामान्य हो गया अभी आप सबको आता है अभवत <laughs> लंग लकार धन्यवाद धन्यवाद शिंशपाशाखीन देखिए जब एक वर्ड है तो आप शिंशाखीन ऐसा नहीं बोलते बोल सकते हैं शिंशपा ये वृक्ष का नाम है शीशम ऐसा उसको कहते हैं शींशपा शाखिन मतलब वृक्ष शिंशपा गम तांत है उसका पुल्लिंगी प्रथमा एक वचनम गंतुम गम धातु का तुमंतव्य है प्रवृतें प्र योगवृत लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन व्रजत तस्य मनो विनोदा योग अंशस्थ प्रथम पुरुष आिट्ल काचन प्रिय अभवत ओके अभी हम आगे जाते हैं गृह मेधि तस् आत्मन अनुपाया प्रिय देवस्वामी इति देवस्वामी इति पुत्रः तथैव असामांण्यैहि रूपगुणैहि असामान्यहि रूपगुणैहि रूप विशृता सोमप्रभा इति च अन्व अन्वर्थ अभिधेया तनया समु, समू आत्मनः लावण्य उत्कर्षस्य अभिमानिनी सा प्रदान उपयुक्तवयोगता मातुः मुखेन जनकं भ्रातरं च अगादीत् मज्जीवितेन कार्यं चेत् अहं शूराय ज्ञानिने विज्ञानी ने प्रदेया इति अभी क्या कह रहे हैं देखिए है। गृह मेधिन तस्य वो जो गृह मेधी मतलब गृहस्थ है जिसकी पत्नी पुत्र वगैरह है वो गृहमेधि तस्य आत्मन अनुरूपायाम उसके खुद के अनुरूप प्रियायाम मतलब उसकी प्रिय पत्नी को क्या हुआ सम समूप तो कुछ कुछ तो उसको उत्पन्न हुआ उससे उत्पन्न हुआ मतलब उसने किसी को जन्म दिया अभी किसे जन्म दिया ये हम देखते हैं प्रियायाम उस जो प्रिय पत्नी थी हरिस्वामी की उसको अभिरूप मतलब अत्यंत सुंदर देवस्वामी उसका नाम क्या है देवस्वामी इस नाम का पुत्र हो एक लड़का और तथा एवं वैसे ही असामान्य ही रूप गुण ही दूसरे किसी का नहीं होगा असामान्य है ऐसा रूप और गुण जिसके प्रसिद्ध हुए थे विश्रुता मतलब सुनाई दे रहे थे मतलब प्रसिद्ध थे ऐसी सोम प्रभा सोम प्रभा नामक च अभिधेया जिसका नाम यथार्थ है ऐसे नाम वाली तनया मतलब बेटी पद्यत उत्पन्न हुई मतलब उसकी बेटी हुई किसकी जो हरी स्वामी है उसकी और उसकी पत्नी की एक बेटा जिसका नाम है देवस्वामी और एक बेटी जिसका नाम है सोमप्रभा प्रभा बेटा कैसा है अत्यंत अभिरूप मतलब सुंदर है और बेटी कैसी है रूप गुण ही विश्रुता मतलब अपने रूप से और गुणों से बहुत प्रसिद्ध हुई है ऐसी च अन्वर्थ अभिधेया तनया सम उदपद्यत ऐसे वो दोनों ने जन्म लिया आत्मन लावण्य उत्कर्ष से अभिमानिनी और वो जो बेटी थी सोम प्रभा वो कैसी थी खुद के लावण्य उत्कर्ष का जिसे अभिमान था ऐसी अभिमानिनी वह उसने क्या किया प्रदान उपयुक्त वयोगता विवाह करके दूसरे को देने योग्य वय जब उसका प्राप्त हुआ तब प्रदान उपयुक्त वयोगता देने के लिए उपयुक्त ऐसे वय आयु पर पहुंच गई ऐसी मातु मुखेन अपने माता के मुख से जनकम भ्रातरम च आगादित उसने अपने पिता को और भाई, भाई को माता के मुख से संदेशा दिया उसको बोला उन दोनों को बोला क्या बोला मत जीवित न कार्यम चेत अगर मेरे जीवन का कुछ करना चाहते हो तो अहम कुछ करना चाहते हो मतलब कुछ अच्छा करना चाहते हो अगर मेरा विवाह करना चाहते हो तो क्या है अहम तो मुझे शूराय ज्ञानी ने विज्ञानी ने इति प्रदेया तो मुझे किसी शूर को किसी ज्ञानी को या फिर किसी विज्ञानी को देनी चाहिए देनी दी जा, दी जाए। मुझे किसी शूर या ज्ञानी और विज्ञानी से मेरा विवाह करवाइए ऐसा उसने अपने माता के मुख से पिता को और भाई को संदेशा भेजा बोला असामान्य अद्वितीय अनवर्थ अभिधेया सार्थ नाम वाली तनया मतलब पुत्री मतलब उत्पन्न हुई जन्म हुआ उनका आत्मन मतलब खुद के प्रदान उपयुक्त वयोगता मतलब विवाह योग्य के होने पर जीवित न कार्यम जीवन का अच्छा करना चाहते हो तो वह मतलब कि प्रदेया मतलब दीजिए ठीक है अभी हम इसका व्याकरण देखते हैं। यस मनस्वी। अमहोदयी। ग्रहम एथी ही एथी ना हा तस्यात मा ग्रहमेथी ना ग्रहमेथी ना असुमहोदयी। ग्रहमेथी ना अनुरूपायां।

असामान्य रूप ग, रूप गुण ए विश गुण रूप गुण विश्रुता है क्या महोदय गुण ही यहाँ पे रेप होना चाहिए गुण ही विश्रुता ऐसा होना चाहिए यहाँ पे एक रेप रह रे गया ही है ही हाँ सोम प्रभा इति अः

कर्फस्य अभिमानिनी अम प्रदान उपयुक्त वयोग वयोगता, वयोगता मातुः मुखेना च अगादित मत जीवतेन कार्यं च कार्यं छ कार्यं च एदे एदहं छ कार्यं छ अक्षमता uh, uh, कार्यं चेत अहम् शूरय ज्ञानी प्र प्रत एएति प्रदेया इति अक्षमता महोदय प्रदेया इति उत्तम अस्तु व्याकरण में वक्तम इच्छति ना हम महोदय ट्राई करना चाहूंगी प्रयत्नं करिष्ये प्रयते

लंग लकार है सम उद ये उपसर्ग है और पद धातु है उसका लंग लकार है ओके, okay. मातुहु क्या रूप है मातुहु मातुह ये है माता शब्द अः अः आई थिंक द्वितीय विभक्ति एक वचन मात्र रुकारांत शब्द है उसकी षष्ठी एक वचन है मातुहु मुखेना okay, no, माके मुख से ओके okay? द्वितीया नहीं है षष्ठी है यहाँ पे ठीक है आ महोदय ब्रातरम हाँ, यहाँ प्रातिपदिक क्या है आ यहाँ प्रातिपदिक है भ्रातृ शब्द रुकारांत आ पुलिंगा और इसमें है भ्रात भ्रातरम भ्रातरो भ्रात्र ये वाला द्वितीय विभक्ति एक अवचेतना में महोदय उत्तातरम अगादी उत्तम अगादी अगादी महोदय ये लिंग आ, ये लिंग आ, ये लिंग लगा रहे लंग लगा रहे लंग लगा हाँ लंग लगा अगादी यह गद धातु का लंग लकार है ओके प्रदेया ये क्या है प्रदे या नहीं पता वहां देनी चाहिए इस अर्थ का यथ प्रत्यय है ओके धन्यवाद अस्तु महोदय धन्यवाद महोदय गृह मेधिन तस्य आत्मन अनुरूपायाम पुत्र तथा एव असामान्य ही सोम इति लावण्य उत्कर्षस्य अभिमानी यहाँ पे डैश होना चाहिए यह संधि नहीं है वो सामासिक शब्द है लावण्योत्कर्ष से अभिमा लावण्य उत्कर्ष लावण्योत्कर्ष लावण्योत्कर्ष अभिमानी अभिमानी अभिमा यहाँ पे भी टाइपो है आई विल करेक्ट मातु मुखेन मतुर्मुखेन अगादित गद लुंगलकार प्रथम पुरुष एक वचन कार्यम कृ कृत्य प्रत्यन्त नपुंसक लिंगी प्रथमा एक वचनम प्रदेया प्रयोगदा उसका यत प्रत्यय है स्त्रीलिंगी प्रथमा एक वचनम अभिरूप का अर्थ मैंने बता ही दिया है अभिरूप मतलब सुंदर मत जीवित न मतलब मम जीवित न ऐसा इधर अर्थ है लावण्यस्य उत्कर्षस्य अभिमानिनी लावण्यस्य उत्कर्षः लावण्योत्कर्षस्य अभिमानिनी अभिमानं यस्याः सा अभिमानिनी मज्जीवितेन मम जीवितेन ओके okay, आगे देखते हैं तदाकर्ण्य तत्पिता तादृक् वरं चिन्वन् यावत् चिन्तयति तावदेव राज्ञा सः सङ्ग्राम उत्सुकस्य दक्षि दाक्षिणात्यनरेन्द्रस्य अन्तिकं सन्धिसम्पादनाय व्यसर्जि कृतकार्यः हरिस्वामी तत्रैव केनचिद् द्विजाग्रेण श्रुततद्रूपसम्पदा ससुतां याचितः प्रावच नूनम सा शूरार ज्ञानीनह विज्ञानीह विज्ञानीनह वा अपरम पतिं न इच्छति मदीय कन्या अभी क्या कर रहा है वो पिता पुत्री ने तो कह दिया कि मुझे ज्ञानी या विज्ञानी या शूर इन तीनों में से एक कोई पति मुझे चाहिए ऐसा पुत्री ने बोल दिया है तो वह पिता जो है कि अभी मेरी पुत्री का विवाह करना चाहिए ऐसा वर मुझे ढूंढना चाहिए ऐसा जब सोचता है तभी ओके तद आकरण्य यह सुनकर तद पिता मतलब तस्याहा पिता उसके पिता वरम मतलब उसने जैसे वर्णन किया है वैसा वर चिन्ह ढूंढने के लिए <coughs> ढूंढने विंत जब 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 भी वह ऐसा सोचना शुरू करता है तभी तावदेव मतलब तभी राज्या सह संग्राम समुत्सुक दक्षिणात्य नरेन्द्र से राजा ने उसे संग्राम उत्सुक मतलब युद्ध करने के लिए उत्सुक ऐसे दक्षिणात्य नरेंद्र से दक्षिण दिशा वाले एक राजा के अंतिकम मतलब पास में संधि संपादनाय मतलब गठबंधन करने के लिए या फिर मैत्री करने के लिए संधि बोलते हैं उसको पारिभाषिक शब्द में संधि संपादनाय व्यसर्जी भेज दिया कहा भेजा दाक्षिणात्य नरेंद्र के पास कौन था ये दक्षिणात्य नरेंद्र जो संग्राम में समुत्सुक था संग्राम मतलब युद्ध करने के लिए समुत्सुक था लेकिन राजा को युद्ध नहीं चाहिए था इसलिए आमात्य को वहां भेजा और उसे बोला कि संधि संपादन करके आइए मतलब क्या करना है उनके तरफ मैत्री का हाथ बढ़ाइए उनके साथ गठबंधन कीजिए ऐसा बोल के उसे भेज दिया किसे भेजा है हरिस्वामी को भेज दिया हो, मतलब जो राजा ने बताया है वह कार्य करने के बाद कृत कार्य हरिस्वामी त्रव कचित द्विजाग्रेण श्रुत तद्रूप संपदा स्वसुताम याचित हो। किसने किसको क्या मांगा है देखिए कृत कार्य हरिस्वामी याचित हो मतलब जिसने कार्य संपन्न किया है ऐसे हरिस्वामी को किसी ने याचना की किसकी याचना की स्वसुता मतलब हरिस्वामी के खुद के बेटी की याचना की किस लिए याचना की विवाह करने के लिए मांगा किसने मांगा क्यों मांगा द्विजाग्रेण किसी एक द्विज मतलब ब्राह्मण आग्रेण मतलब श्रेष्ठी ब्राह्मणों का जो लीडर है श्रेष्ठी है उनका जो प्रमुख है उसने उसके हरिस्वामी के खुद के पुत्री के लिए हाथ मांगा और कैसे मांगा सुत तद्रूप संपदा जिसने सुनी थी क्या सुनी थी तद्रूप संपदा उसकी रूप की संपदा के बारे में संपत्ति के बारे में सुनने के कारण से उसने हाथ मांगा था संपदा यह संपद शब्द की तृतीया है मतलब संपद जो है उसने सुनी थी इस वजह से उस द्विजा अग्रिण मतलब जो ब्राह्मण श्रेष्ठी है उसने हरिस्वामी की पुत्री की याचना की मतलब उसका हाथ मांगा और तब हरिस्वामी प्रावोचत प्रावोचत तब हरिस्वामी ने बोला नूनम सा शूरा ज्ञानी न विज्ञानी नीति न इच्छती तब उसने कहा कि सच बोलिए तो वह शूर के अलावा वा ज्ञानी के अलावा या विज्ञानी के अलावा और किसी को पति रूप में उन इच्छा नहीं करती है मतलब अगर उसे पति चाहिए तो वो शूर होना चाहिए ज्ञानी होना चाहिए या विज्ञानी होना चाहिए और किसी को वो पति रूप में इच्छित नहीं है कौन मदिया कन्या मेरी जो बेटी है वो सिर्फ शूर ज्ञानी या विज्ञानी को पति रूप में देखना चाहती है और किसी को नहीं अभी शूर का अर्थ तो सामान्य है ज्ञानी मतलब जो नॉलेजेबल है जिसका बहुत सारा ज्ञान है ऐसा और विज्ञानी मतलब कुछ विशेष ज्ञान उसके पास है ऐसा इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए ऐसी उसकी इच्छा है ताद्रुक उस जैसे अंतिकम पास वह सर जी भेज दिया कृत कार्य कार्य के बाद द्विजाग्र ब्राह्मण श्रेष्ठ तद्रूप संपदा उसकी रूप संपत्ति से याचित मांग लिया अपरम दूसरा मदिया मेरी ओके okay? तो so अभी हम व्याकरण की तरफ जाते हैं जय राम जी बोलिए तद आकरणीय

दक्षिणान्य नरेन्द्रपद दिना दाक्षिणा एक पदमस्त अतिकदनाय पद व्यसर्जी कृतकार्य हरिस्वामी केनचित् त्रे कचिव भावित कैचि Hmm. केनचित, 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 हाँ, केनचित एक पदमुतुतूप hmm. एक पदम, hmm. याचिता प्रोचत सा साूरा ज्ञानिनः विज्ञानिनः वा अपर पतिम इच्छति मदिया कन्या चिन्वन क्या है चिन्वन शत्रु शत्रु प्रतिष्ठ ची ची इति धातु अस्ति तत तत तस्य चिन्वन इति शत्रु प्रत्यह प्रथमा राज्ञा इति तृतीय रा, राजन शब्दस्य तृतीय एकवचनम् राज्ञा उत्तम उत्तमम् जी व्यसर्जी थी कार्मिक प्रयोग कर्मणि प्रयोग अदमस्थी थी मन्नी तथ्य भूतकालम भूतकाल हा आ, लिट नहीं लूंग लकार आ लूंग लकार व्यसर्जी अस्तु एक एक वचन

अभी ये वी, योग उपसर, वी उपसर्ग पूर्वक का सृज धातु कर्मणी का, लुंगलकार है कि सामान्य सालकार है कर्तरी लुंगलकार है आपको ढूंढ निकालना है ओके तत्र एव, के नचित द्विज अग्रेण द्विजाग्रेण उल्लिंगी प्रथमा एक वचनम प्रावोचक प्र उपसर्ग पूर्वक विवच्छ धातो हो लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन शूरात ज्ञानी न हो विज्ञानी न हो न इच्छति ओके okay. आचार्य तत्र व्यसर जी इति पद पदम तु लुंग लकार इति भवता तत्र लंग लकार लंग लकार रूपम कथम भवति व्यसर जी व्यसर जत वस्त धन्यवाद सह अवदत् जानामि अहम विज्ञानम् तत् प्रदर्शय इति पुनः अर्थितः विज्ञानी व्युचरम रथं स्वशक्त्या निर्माय तत्र हरिस्वामिनं आरोप्य स्वर्ग आदिन् लोकान् दर्शयित्वा पुनः कटकम् आनयत् पुनः कटकम् आनयत् तेन तुष्टः सः हरिस्वामी तस्मै स्वां सुतां प्रत्यशृणोत् सप्तमे अहनि च विवाहं निश्चिकाय तस्मिन् एव काले अवन्तिकायाम् अपरेण विप्रव विप्रवरेण्येन तत्सुतः देवस्वामी स्वसारम याचित हो अभी क्या हो रहा है देखिए सह अवदत वो जो ब्राह्मण अग्रणी था ब्राह्मण श्रेष्ठी था उसने कहा सह अवदत जाना अहम् अहम विज्ञानम मुझे तो विशेष ज्ञान है मुझे कुछ तो ऐसा विशेष मालूम है तत्प्रदर्शय तो क्या मालूम है दिखाइए इति विज्ञानी उसके फिर से प्रार्थना करने पर विज्ञानी ने क्या किया विज्ञानी द्यूचरम रथम। द्यूचरम मतलब आकाश में चलने वाला रथ स्वशक्त्यार्माय खुद के शक्ति से निर्माण करके तत्र मतलब उस रथ पर हरिस्वामिन आरोप्य हरिस्वामी को स्वर्ग इत्यादि लोक दिखाकर पुनः फिर से कटकम मतलब सेना के शिविर में आनयत उसे फिर से वापस लेके आया रथ तैयार किया रथ में उसे बिठाया और फिर रथ में बिठाने के बाद क्या किया है उसने रथ में बिठाकर उसे सब दिखाया स्वर्ग लोग दिखाया लोग मतलब और, भी जो लोग और ये पृथ्वी लोग सब दक दिखाया और फिर से उसे सेना शिविर में लेके आया इसलिए हरिस्वामी क्या हुआ तेरा तुष्ट हस हरिस्वामी इसलिए वह हरिस्वामी अत्यंत संतुष्ट हुआ और तस्मय स्वाम सुताम सुताम प्रत्यश्रुणोत और उसने हरी स्वामी ने तस्मयी मतलब जो विज्ञानी था उसको स्वाम सुताम, मतलब खुद की बेटी प्रत्यश्रुणोत मतलब उसने उसको वचन दिया क्या वचन दिया है सप्तमे अहनिच विवाहम निश्चिकाय मैं मेरी बेटी तुम्हें दूंगा ऐसा उसने वचन दिया और सातवें दिन पर उसका विवाह भी निश्चित कर दिया निश्चिकाय मतलब निश्चित कर दिया निस प्लस जी धातु है उसका निश्चिकाय लिट लकार है तस्मिन एव काले उसी समय पर अवंतिकायाम अभी यहाँ पे वो दक्षिणात्य नगर में आया हुआ है और उसी समय अवंतिका में क्या हुआ है तस्मिने काले उसी समय अवंतिकायाम अवंतिका में अपरेण दूसरे जो विप्र मतलब ब्राह्मण वरेण्य मतलब श्रेष्ठ जो ब्राह्मण श्रेष्ठ ऐसा कोई एक था उसने तत्सुत उसका पुत्र क्या नाम था पुत्र का देवस्वामी देवस्वामी को बहन को मांगा स्वसारम मतलब उसकी बहन उसे मांगा उसका हाथ मांगा किसको मांगा है किसने मांगा है किसी विप्रवरण्य ने मांगा किसे देवस्वामी को देवस्वामी कौन है हरि स्वामी का पुत्र है और वो कहा अवंतिका नगर में अर्थित मतलब प्रार्थना करने के बाद दिवचरह आकाश में चलने वाला रथ रथ आगे लिखा हुआ है दिवचर मतलब आकाश में चलने वाला निर्माय निर्माण करके आरोप्य मतलब चढ़ाकर कटक इसका अर्थ है सेना का शिविर स्वाम इसका अर्थ है खुद की प्रत्यश्रुणोत वचन दिया अहनी मतलब दिन पर उस दिन निश्चिकाय निश्चित किया हेमावती जी बोलिए सः अवदत् सः अवदत् जानामि अहं विज्ञानं hmm. प्रदर्शय इति hmm. पुनः अर्पितः hmm. स्वशक्त्या शब्दः hmm. हरिस्वामिन, हरिस्वामिन् हरिस्वामिनं हरिस्वामिनम् आरोप्य Uh, स्वर्गा uh, दी, स्वर्गादीन लोकान दर्शयित्वा hmm. कटकम आनयत hmm. uh, प्रति अश्रुणोत प्रत्यश्रुण प्रति उपसर्ग है हाँ uh, ठीक है प्र, प्रत्यश्रुणोत hmm. uh, सप्तमी uh, सप्तमे अहनी hmm. तस्मिन् एव काले अवन्तिकायाम् अपरेण विप्रवरेण्येन एकशब्दम् एव एक तावदेव जानामि न्या दातु उत्तमपुरुषः एकवचनम् प्र उपसर्गपूर्वकः दृष् धातोः लोट्लकारः निजन्तलोट्लकारः निजन्त लोट दर्शी दातु एकवचनं निर्माय निर्माय नी उपसर्ग पूर्वक मा धातो हो लेबंतम निर उपसर्ग मा धातु लेबंतम वे उत्तम आरोप्य आरोप्य भी लेबंतम आ, आ रूह धातु निजंत रूपम निजंत रूपम निजंत लेबंत नि, निजंत लेबंत दर्शयित्वा त्वांतम

स्वर्गादीन लोकान दर्शयित्वा दर्शयित्वा दृश्य धातु का निजंत त्वांतव्य है दृष्ट तुष तांत पुल्लिंग प्रथम एक वचनम निश्चिकाय निस योग ची प्रथम पुरुष एक वचन काले अंतिकायाम अपरेण कुछ प्रश्न है देखती हूँ एक मिनट फ्रॉम स्व यू इन पैसिज बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मैं बोलने वाली हूँ उसके बारे में विज्ञानी ओके विज्ञानी जो है मतलब विशेष ज्ञान कोई रखने वाला कुछ अलग उसके पास स्पेशल नॉलेज है कुछ विद्या है ऐसा कोई उसे चाहिए ओके okay. So, अभी देखिए उनका जो प्रश्न है उसके बारे में मैं पहले उत्तर देना चाहूंगी देखिए यहाँ पे क्या है हरिस्वामी याचित हो। तो हरिस्वामी ये जो है ये एक कर्म है क्यों कर्म है क्योंकि द्विज आग्रहण ये करता है यहाँ पे द्विज द्विजाग्रहण हरिस्वामी याचित हो। क्या याचना की है स्वसुता जो ये याच धातु है वो द्विकर्मक धातु होता है मतलब उसे दो कर्म होते हैं जैसे अभी सामान्य वाक्य अगर हम करना चाहते हैं वो कैसे होगा द्विज द्विजाग्रह हरिस्वामी स्वसुताम याचितवान ऐसा सामान्य वाक्य होगा हमारा या फिर अयाचत अगर लंग लकार हमें प्रयोग करना है तो अयाचत तो इसका जब प्रयोग परिवर्तन होता है तो जो मुख्य कर्म है उसकी प्रथमा होती है लेकिन जो गौण कर्म है उसकी द्वितीय ही रहती है जैसे इसमें हरिस्वामी और स्वसुता ये दो शब्द कर्म है तो उसमें से हरिस्वामी को मांगा गया है इसलिए हरिस्वामी इसका प्रमुख कर्म हुआ है और क्या मांगा है स्वसुता को मांगा है इसलिए स्वसुता ये गौण कर्म हुआ इसलिए दो कर्म है इसलिए प्रयोग परिवर्तन के समय ऐसा उसका अलग अलग रूप दिखाई देता है अभी धीरे धीरे ये बात हमें समझ में आएगी लेकिन द्विकर्मक धातु है इतना ही अगर आप याद रखते हैं तो ठीक है अभी हमने देखा कि देवस्वामी को उसकी बहन को उन्होंने मांग लिया है आगे देखते हैं ज्ञानी विज्ञानी शूरेभ्य इच्छति सा उक्तः सह दर्शित हा, दर्शित, दर्शित शस्त्र शस्त्रास्त्र कौशल शस्त्र कौशल आत्मा निजाम सत्यापयास देशस्वामी अस्म प्रतिश्रुत निजा भगिनी सप्तमें दिवसेवाहि निर्वर्तम एव अभी इधर क्या हुआ है अवंतिका में वो भाई जो है देवस्वामी उसे भी कोई मिल गया है ओके और उसने क्या है क्या किया है उससे बोला है कि उसे कोई ज्ञानी चाहिए विज्ञानी चाहिए या शूर चाहिए अगर इन तीनों में से कोई नहीं है तो उसे शादी नहीं करनी है वही वो बोल रहा है ज्ञानी विज्ञानी शूरे अन्यम न इच्छति सा पति ज्ञानी विज्ञानी शूर इनके अलावा किसी और को और की वो पति रूप में इच्छा नहीं करती है इति कोई तो ऐसा जब उसने कहा तो सह मतलब ये है जो हाथ मांग रहा है वो उसने क्या किया है दर्शित शस्त्रास्त्र कौशल उसने अपने शस्त्र और अस्त्र का कौशल मतलब नैपुण्य दिखाया और खुद को शूरम इति मतलब शूर सच में शूर साबित कर दिया उसने अपने शस्त्र और अस्त्र का नैपुण्य दिखाया और खुद को शूर ऐसा सत्य में सच में साबित कर दिया देवस्वामी अपी और वो जो भाई है देवस्वामी नामक उसने भी तस्मय प्रतिश्रुत्य निजाम भगिनी अपनी खुद की भगिनी को देने का वचन देकर प्रतिश्रुत मतलब वचन देकर सप्तमे दिवसे सातवें दिन पर विवाह विवाह वि, विवाह विधि निर्वर्तुम निर्वर्तितुम मतलब संपन्न करने के लिए अभ्यत ऐसा उसे कहा और कैसे कहा जनन्याह परोक्षम एव जननी के सामने न रहते ही उसने उसे वचन दे दिया परोक्ष मतलब आंखों के सामने न रहते हुए माता के सामने कुछ उसने वचन नहीं दिया है जब माता वहां नहीं थी तभी उसने अपनी बहन के लिए वो शूर अच्छा है ऐसा सोचकर उसने वचन दे दिया कि मैं मेरी बहन बहन का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा और इसलिए उसने सातवें दिन में उसका विवाह विधि करने करने का करने की सोची सा मतलब वह उक्तह बोला दर्शित मतलब दिखाया शस्त्रास्त्र शस्त्र और अस्त्र सत्यापया सच साबित किया प्रतिश्रुत वचन देकर निजाम मतलब खुद की निर्वर्तयतुम मतलब संपन्न करने के लिए पूर्णिमा ज्ञानी विज्ञानी शूरेभ्यः अन्यम नेच्छति न इच्छति ह सा पतिम् इति उक्तः सह हुँ। दर्शित शास्त्रास्त्र कौशलः आत्मनाम शूरम सत्यापयामास देवस्वामी अपि देवस्वामी अपि तस्मयि प्रतिश्रुत्या निजाम भागिनीम् सप्तमे दिवसे विवाह निर्वर्त्तयि तुम अभ्यधा अभ्यधात् अभ्यधात् जनन्याहा परोक्षम् एव अभ्य। इच्छति क्या है बोलिए ये शत्रु प्रत्यय है नहीं ईश इच्छा का लट है सामान्य अच्छा 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 उतनी शूरभ्य इच्छती सा। एक मुझे लगा वो विशेषण जैसा है ऐसा। नहीं।, नहीं वो इच्छा नहीं करती है ऐसा अच्छा अच्छा ईश अच्छा। इच्छा लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन उक्त वच नहीं तो ब्रू अच्छा धातु हो वच धातु का ऐसा एक नाम है उस नाम के नाम की सहायता से नाम धातु बन जाता है मतलब नाम को ही धातु में परिवर्तित कर देते हैं उसे नाम धातु कहते हैं तो सत्याप ये नाम धातु है और उसके आगे मांस वगैरह लगाया है ना आम और मांस हाँ, ऐसा हाँ। लगाया है तो वो लिट लकार प्रथम पुरुष एक प्रथम पुरुष एक वचन प्रतिश्रुत्य मतलब सत्याप ये सत्याप से नाम से बना हुआ नाम धातु है नाम है ना? से जब धातु बनता है उसे नाम धातु कहते हैं हाँ, हाँ, हाँ. जैसे एक ऐसा बहुत प्रचलित प्रसिद्ध ऐसा उदाहरण है काक हाँ अभी ये गरुड़ जो है ये नाम आ, है आ, लेकिन काक क्या गरुड़ समान हो जाएगा इसलिए वहां गरुड़ायते गरुड़ से गरुड़ायते यह धातु मतलब क्रियापद बन गया है ऐसे नाम धातु कहते हैं वैसे ही सत्याप ऐसा नाम है और उससे सत्यापाय ऐसा ये लिट लकार का रूप बना हुआ प्रति उपसर्ग शुरु धातु लबंत अभ्यत अभि उपसर्ग धा धतु लोंगलकार प्रथम पुरुष एक वचन उत्तम ज्ञानी विज्ञानी शूरभ्य अन्यम न इच्छति अभी ये जो ज्ञानी विज्ञानी शूरेभ ऐसा एक ही शब्द बनाया हुआ है वहां पे समास है ज्ञानी च विज्ञानी च शूरह च तेभ्यः अन्यम न इच्छति उक्तह वचक तांत पुल्लिंगे प्रथमा एकवचन सत्यपयामास सत्यप नाम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन देवस्वामी अपि निर्वर्तयितुम अभ्यदात जनन्याः निर्वर्तयितुम निर उपसर्ग पूर्वक वृत धातु का निजंत तुमुनांत अव्य है अभ्यदात अभि योगधा धा लकार प्रथम पुरुष एक वचन परोक्षम एव ओके तो हम लोगों ने आज क्या क्या देखा है कि भाई और पिता ने अलग अलग दो लड़के ढूंढे हुए और और माता को कुछ भी मालूम ही नहीं है दोनों ने सातवें दिन अपनी बहन का या बेटी का विवाह करूंगा ऐसा कहकर विवाह तो तय कर दिया है यहाँ तक हमने अभी देखा है इसके ऊपर अगर किसी को प्रश्न है तो कृपया पूछिए अभी जिनको प्रश्न है वही हाथ ऊपर करें हां बोलिए जरा मम एक लघु प्रश्न का संशय अस्ति तत्र आदित्यन कक्षायाः प्रथम स्लाइड मध्ये गतम इति पदम अस्ति तत्र तत्र लिखितम गम तांत पुल्लिंग ए एक प्रथमा इति प्रथमान द्वितीया भावे एक पशा पुंगे प्रथमा हाँ द्वितीय एक वचनमी भवे ओके करो अग्रे वो कश्न कस्य हेमवती जी पूछे निवर्त्यास कचि दृष्टवती वृत्त धाओ दा,

मैम वह, वह लड़की के पिता ने उस आदमी को किधर देखा था वो दक्षिण दक्षिणात्य शहर में गया था ना राजा से कोई युद्ध करना चाहता था दक्षिणात्य शहर में या प्रदेश में रहने वाला राजा था तो वो इस राजा से युद्ध करना चाहता था राजा ने उधर भेज दिया तो उस शहर में जब उसका कार्य संपन्न हुआ उसने उसके साथ मैत्री पूर्वक संबंध बढ़ाए उसी शहर में दक्षिणात्य शहर में ही वो लड़का मिला ठीक है अच्छा आचार्य तत्र लावण्योकर्षस्य अभिमानिनी इति तत्र अर्थाकः अस्ति तत्र लावण्यं लावण्यं किमस्ति तत्र लावण्योकर्षस्य लावण्य नामकिं इति पृच्छति वा हां लावण्यं ओ सौंदर्य उत्कर्ष है जितने उत्कर्ष है उत्ती हाईएस्ट लेवल उत्कर्ष ओ वेरी ब्यूटीफुल या ता 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 अभिमानी अभिमानी नी अभिमानिन इति पुलिंगे श्रीलिंगे अभिमानी नी अभिमान यस्य अस्ति इति पुल्लिंगे अभिमान यस्याः इति स्त्रीलिंगे varam mam i'm not able to identify uh, in which uh, lakara is uh, used so can you please explain me Where? mam i'm not able to identify in in general in general for that you have to by heart the pratyayas of lakara then only you can identify do you know any pratyayas of lakara lat lakara asti chat parasmay padi थमने वाला तरकारा सीम यू राइट नाउ यू नीड नॉट नो एवरीथिंग बट एट लीस्ट फोर फाइव लट लिंग लंग लोट इतनी तो जान जा नाम ज्ञातव्य में वो अत्यावश्यक मत तदा एवं अग्रे गत्वा शनै ही शनै ही सर्वे लकारा हाँ वगमी ओके मैम यू हैव टू स्ट्रगल अ यू हैव टू बाय हार्ट ओके उपग्ना मैम ये जो सत्यापया मास वाला जो वाक्य है hmm. उसमें मुझे ये समझ रहा कि उसका करता कौन है उस वाक्य में किसने सह मतलब वो जो शूर है ना उसने खुद को सच साबित कर दिया तो आ, ये इसमें उक्त ये ये उक्त तो वहां वो सेंटेंस खत्म हो गया है किसने बोला है ऐसा ये पिछले स्लाइड में देखिए याचित हाँ मतलब याची तह ये तो सब भाई है तो अच्छा इसके ये तीन के अलावा वो और कोई पति नहीं चाहती ऐसा कहा ऐसा उसने कह दिया वहां पे सह नहीं है ओके okay? या फिर ये सह है ना आप उक्त से उक्त से भी लगा सकते हो और सत्यापमास से भी लगा सकते हो एक्चुअली हियर इट शुड बी अ दंडक तो okay. फिर अर्थ समझ में आता है लेकिन साहित्य में ऐसी चीजें होती है और ये तो ओरिजिनल फिर भी श्लोक रूप है ना उसको वाक्य रूप में परिवर्तित कर दिया है तो श्लोक में तो एक सह का ऊपर और नीचे दोनों चरण में हम उपयोग कर सकते क्वाइट पॉसिबल है कि ओरिजिनल जो श्लोक है उसमें सह एक ही बार प्रयुक्त तो किया हुआ है ऐसा हो सकता है हेमावती पूर्वमेव हस्त उन्नति अस्त

ओके okay, ओके okay. <laughs> <हैं ना? laughs> और जब आप फिर से फिर से सुनेंगे तब और भी आपकी प्रगति होगी कहा स्टेप वन आनी ही चाहिए ना स्टेप टेन no पे no, पहुंचना है आई डू अंडरस्टैंड बट या मीनिंग आई एम फाइंडिंग दैट द स्टोरीज आर गेटिंग मोर एंड मोर नहीं sort of ऐसा नहीं है the... प्रायः जब हमने देखा है तो एक कथा जो है एकदम सुलभ है

सर्वे खिन सर्वे भद्राणि निरा भद्राणी पश्यो मां कच्चि भवे ओ शांति 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 धन्यवाद लकार का एक वीडियो मैं भेज देती हूँ तो प्राय हो आप सभी को थोड़ा उसका उपयोग हो जाएगा धन्यवाद